अर्जुन को जब उद्देश्य मिला उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई नहीं नहीं हुई <laughs> नहीं मोक्ष ऐसे कहते हैं ना सत्संग में बैठने से थोड़ी ना मोक्ष मिलता है

उस समय अर्जुन आके कह रहे हैं कि यू you नो know, मुझे कुछ याद नहीं है सो इट इज बेसिकली वेरी ह्यूमन कि वो कहता है कि मुझे आपने उस युद्ध के पहले जो बताया मुझे याद नहीं है इट hmm. शोज अर्जुन इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग हम कितना ज्ञान सुनते हैं ना कितने टीवी में कोई काम को मोटिवेट करता है बैड टाइम में आप जब स्ट्रेस हो जाते हो और एक बार वो सिचुएशन चला जाता है तो भूल जाते हैं। जाते अर्जुन भी भूल गए और कृष्ण को भी पता चलता है जैसा गुण है उसका ये उनको अर्जुन के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है वो वो उनके लिए वो बछड़े जैसा है काफ और इसलिए श्री कृष्ण को गाय कहा गया है श्री कृष्ण इनफैक्ट विज्ञानेश्वर में कृष्ण को विठाई कहते हैं विठाई इज मदर कृष्णा मराठी में विठल इज मराठी तो विठाई मतलब मदर कृष्णा कि वो माँ के जैसे बोलते हैं है, और वो समझाते रहेंगे क्योंकि जल्दी क्या है क्योंकि ये देह जाने के बाद दूसरा देह आएगा उसके बाद और एक देह आएगा लाइफ तो चलता रहेगा पुनर्जन्म होता रहेगा और वो गीता का उपदेश देते रहेंगे शायद कब कभी ना कभी तो हरी देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन टू अब एक किताब के रूप में नाउ अवेलेबल एट बुक स्टोर्स नियर यू